पिछले कुछ दिनों से शहर में मोटरसाइकिल चोर गिरोह सक्रिय था, जिसके द्वारा जिला अस्पताल परिसर में शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों से आने वाले लोगों की बाइक चोरी की जा रही थी। शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने ऐसी ही 8 चोरियों का खुलासा किया है। चोरी की 8 मोटरसाइकिल जब्त करते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले सगे भाइयों को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू द्वारा शहर में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए थाना स्तर पर टीम बनाकर और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। 5 मई को पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि फोरलाइन पुलिस के पास 2 संदेही मौजूद हैं, जो कि चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में हैं। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने संदेही मंजू विश्वकर्मा उम्र 25 साल और पुरुषोत्तम विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष, दोनों पुत्र इमरत विश्वकर्मा निवासी ग्राम कोणन थाना बमीठा हाल निवासी फोरलेन के पास छतरपुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने चोरी की 8 घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की और बताया कि 8 मोटरसाइकिलों में से 1 मोटरसाइकिल वे पुलिस गश्त के दौरान छोड़कर भाग गए थे और शेष 7 मोटरसाइकिलें उनके गांव कोणन में रखी हुई हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 7 मोटरसाइकिलें कोणन से बरामद कर ली हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों से अभी और खुलासे और बरामदगी होने की संभावना है, इसलिए दोनों को पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। आरोपी मंजू विश्वकर्मा के विरुद्ध पूर्व में भी जिले के विभिन्न थानों में 7 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनमें से 6 अपराध चोरी के हैं। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक कमलेश साहू के अलावा उप निरीक्षक राजकुमार तिवारी, प्रधान आरक्षक राजीव मिश्रा, बसंत शर्मा, काजी रजीउद्दीन, प्रदीप तिवारी, संजय कुमार, प्रमोद नायक, जयवेदी, ब्रजेंद्र गुप्ता, आरक्षक नरेश सिंह, नित्य प्रकाश, अंकेश कुशवाहा, धर्मेंद्र सिरवैया, दिनेश मिश्रा और युवराज का विशेष योगदान रहा। का खुलासा है, पहला सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में 2 चोरों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 8 सीडी डीलक्स मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। 1 हफ्ते पूर्व थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र में एक बाइक चोरी गई थी और उसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम ने काम किया और एक व्यक्ति का कदकाठी के आधार पर जब पता किया गया तो ये ग्राम कोणन थाना बमीठा क्षेत्र के चोर के ऊपर संदेह हुआ। जब उसे लाकर पूछताछ की गई तो कुल 8 गाड़ियां, 8 सीडी मोटरसाइकिलें इसमें बरामद हुई हैं, जो कि जनवरी से लेकर और अभी तक चोरी गई थी। और इसमें से जो 1 अपराधी है उसके ऊपर पूर्व में 6 अपराध हैं और एक दूसरे के ऊपर 1 अपराध है। इनको कल माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। संभव है कि जिले की कुछ अन्य बाइक चोरियों का भी इनसे खुलासा होगा। सर,